आवाज हर भारतीय की बीके टाइम्स न्यूज़। कर आप देख रहे हैं बीके टाइम्स न्यूज और मैं हूँ आपके साथ कंचन। भुसावल शहर में पुलिस ने शातिर बदमाश वारंट धारी बदमाशों की तलाश में रविवार तड़के कॉम्बिंग ऑपरेशन चलाकर 12 होटल लॉजेस की जांच पड़ताल कर संदिग्धों के खिलाफ कार्रवाई की। रविवार सुबह भुसावल मंडल के चारों थानों के सीमा क्षेत्र में उपाधीक्षक सोमनाथ वागचौरे की मौजूदगी में कॉबिंग अभियान चलाया गया, जिसमें इस अभियान के तहत 71 लोगों को तलब समन्स दिया गया है। चारों थानों की सीमा में 25 लोगों के बेलाबेल वारंट जारी किए गए हैं। 7 लोगों की गिरफ्तारी वारंट जारी किए गए। 24 हिस्ट्री शीटर की जांच की गई है। 4 शराब बारों की छापेमारी के साथ ही 2 जुआ की छापेमारी की गई। भुसावल शहर में 12 होटल लॉज चेक किए गए हैं, जिसमें गांधी प्रतिमा, नाहटा, चौफुली और कुरहा गांव में पुलिस ने बड़ी नाकेबंदी की। नाकाबंदी के दौरान 300 से अधिक वाहनों की जांच की गई है। 49 वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की गई। सेंधमारी, जबरन चोरी जैसे अपराधों में 20 आरोपित की जांच की गई है। यह कार्रवाई जिला पुलिस अधीक्षक एम राजकुमार के निर्देशन पर अपर पुलिस अधीक्षक चंद्रकांत गवली, उप विभाग अधिकारी सोमनाथ वागचौरे, PI पडघन, PI गायकवाड़, PI शेंडे के मार्गदर्शन में की गई। खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए बीके टाइम्स न्यूज लाइव। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बगल में लगी घंटी के बटन को दबाकर ऑल पर क्लिक कीजिए, ताकि आपको सच्चाई के साथ दिखाई जाने वाली खबरें मिल सके। जय हिंद। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को।